हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जायका इंडिया का पर। काफ़ी लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि आप बिरयानी की रेसिपी अपलोड करें, इसलिए आज हम बनाने वाले हैं जायकेदार चिकन टिक्का बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन के टिक्के बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर ली है 1 किलो 250 ग्राम चिकन, आधा कप दही, 1 नींबू, 1 अंडा, 1.5 फूड कलर, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, आधा टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून टिक्का बिरयानी का मसाला। अगर आपके पास टिक्का बिरयानी का मसाला ना हो तब बिरयानी का कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने चिकन के साथ सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बिरयानी वाले बासमती चावल लिए हैं जो 750 ग्राम है। हम इनको भिगोकर रख देंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए हैं 750 ग्राम प्याज और 3 बड़ी साइज के टमाटर। अब हम प्याज को काट कर इन्हें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें टिक्कों को फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। इसी के साथ हमारे टिक्के भी फ्राई हो चुके हैं। वैसे तो टिक्का बिरयानी में सिर्फ और सिर्फ बोनलेस चिकन ही लिया जाता है, लेकिन हमने हड्डियों वाला गोश्त भी लिया है, क्योंकि घर में बच्चों को जब तक बिरयानी में लेग पीस ना मिले ना तो उनको लगता ही नहीं है कि बिरयानी खाई है। अब हम चावल को बॉईल करेंगे। इसके लिए हमने एक बर्तन में 2 लीटर पानी लिया है। इसमें हम 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसी के साथ हम अब इस पानी में थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर लिया है तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, फूल और दालचीनी। इसी के साथ अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर चावल को धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगोया था। जब तक हमारे चावल बॉईल होते हैं हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने टिक्कों को फ्राई करने के लिए तकरीबन 1.5 कप तेल लिया था। अब उसी बचे हुए तेल में हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। इस तेल में अब हम आधा टीस्पून जीरा और थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसी के साथ हमारे कटे हुए टमाटर भी ऐड करेंगे।
टमाटर तेल में अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। इसी के साथ अब हम इसमें 1/2 कप दही भी ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से पकाने के लिए इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड करेंगे। मसाले को पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें फ्राई की हुई प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल ली है। अब प्याज को अच्छे से पकने देंगे। प्याज डालने के 5 मिनट बाद हम इसमें फ्राई किए हुए टिक्के ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हम गरम कोयले पर 1 टीस्पून घी ऐड कर देंगे और इसको तुरंत ढक देंगे। अब वक्त है बिरयानी को दम करने का। इसके लिए अब एक बड़े बर्तन में हम 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इस सबसे पहले इस पर चावल की लेयर बिछा देंगे। चावल की लेयर तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम हमारा तैयार किया हुआ बिरयानी का मसाला डालेंगे और इसकी लेयर बनाएंगे। मसाले की लेयर भी तैयार है। अब इस पर फिर से चावल ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने मसाले की सिर्फ एक ही लेयर बनाई है। अगर आप चाहें तो मसाले की 2 लेयर भी बना सकते हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, फ्राई की हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना। इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और इसको लो फ्लेम पर 1/2 घंटे के लिए दम होने के लिए रख देंगे। हमने इसे लो फ्लेम पर रख दिया है। अब इसे ढककर 1/2 घंटे के लिए दम होने देंगे। बिरयानी दम हो चुकी है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी चिकन टिक्का बिरयानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।